इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जनगणना को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अगले साल से शुरू होगी जनगणना, 2025 से शुरू होकर 2026 तक चलेगी जनगणना। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 2021 में होनी थी जनगणना लेकिन कोविड की वजह से चल गई। सीधे रुक करते हमारे सहयोगी रविंद्र का, रविंद्र क्या जानकारी? देखिए, बड़ी खबर यही है कि जनगणना को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी कि कब शुरू होगी, ये सरकारी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। अगले साल जनगणना शुरू होगी और 2026 तक एक साल ये चलेगी जनगणना, क्योंकि आपने भी बताया जो सही है कि कोविड महामारी कारण 2021 का जो चक्र था वो चक्र टूट गया था और अब 2025 में ये जनगणना शुरू होगी। यानी अब जो हर 10 साल में होती थी ये अब क्रम हो जाएगा 2025, 2035, 2045, यानी इसी क्रम में अब चलेगा। और इसके पहले आपने देखा कि 1991, 2001, 2011 में होती थी इस तरह की जनगणना। एक और खास बात जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि 2026 में जब जनगणना पूरी हो जाएगी उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी 2027 में लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। इसके अलावा जो एक साल तक चलेगा 2028 में पूरा होगा और 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो परिसीमन के आधार पर ही होगा। हालांकि जातिगत जनगणना के मांग को लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। एक बात और बता दें जानकारी के अनुसार शिवांगी कि इस बार की जनगणना में संप्रदाय भी पूछा जा सकता है, यानी अनुसूचित जाति में वाल्मीकि समुदाय के रविदासी हैं, इसी तरह से कर्नाटक में लिंगायत हैं, ये अलग संप्रदाय को मानते हैं। तो इस बार संप्रदाय जातिगत जो होता है सामान्य अनुसूचित जाति। बिल्कुल रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें। Z News।